सरानी की जय। रसिकाचार्यों का अनुभव है या ऐसा कह लें कि इस रस देश की कृपा से ये रसिक जनों की श्रेष्ठ उपलब्धि है, इस भाव का दर्शन अनुभव आस्वादन कर पाना कि न तुम वैकुंठ लोके पी नवाते रसद प्रिय। हे श्री स्वामिनी, न तो आप कहीं वैकुंठ लोक में हैं और ना ही आपके वो सरस मधुर प्रियतम। वृंदावनाद्रिते तस्मात, यदि आप कहीं हैं, यदि आप कहीं दृष्टि में आती हैं, अनुभव में आती हैं, यदि आपके इस विलक्षण रस वैभव का कहीं अनुभव या आस्वादन किया जा सकता है तो यही केवल श्री वृंदावन में किया जा सकता है। एक बड़ी सुंदर बात श्री महाप्रभु जी अपने हार्द ग्रंथ श्री सुधा निधि में कहते हैं कि कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा। आपके भाव में पगे रसिक जन लोक विहित वेद विहित विधि का पालन करें अथवा न करें, भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसह। श्री राधिका और उनके प्रियतम के भाव में जिनकी मति पारंगत हो जाती है, अर्थात वृंदावन के संत गाते हैं कि वृंदावन एक सुंदर जोरी, लोक चतुर्दश की सुंदरता सुंदर श्याम राधिका गोरी। को माया ब्रह्म कहे को प्रकृति पुरुष कर जाने, अरे वेदन की ये बात बड़ी हम कहा गवारिन जाने। वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने सोई सांचो साध। कि प्रिया और प्रियतम के परस्पर जो विलक्षण प्रीति की जो रीति है उसको जो केवल जान ले, अर्थात जो उसके अनुभव में आ जाए, बोले वही सच्चा साधु है। साधु अर्थात जो बिल्कुल भीतर से सूधा हो गया है, जिसकी कुटिलता नष्ट हो गई है, गूढ़ाश्चर्य रसात विषा सकादि विषयान गृहणंतु मुंचंतु वा। कि किसी वेद विहित कर्म को करें न करें, किसी विधि का पालन करें न करें, पालन करने से उनको कोई लाभ नहीं होता और न पालन करने से उनको कोई हानि नहीं होती, ऐसी वृंदावन के रसिक जनों की स्थिति है। कोई ऐसा विलक्षण रस ये वृंदावन धाम प्रदान करता है, किसी ऐसे विलक्षण रस का स्मरण अनुभव उपलब्धि इस हंस सुता के इस पवित्र पुलिन पर हो जाती है कि रसिक जन प्राप्त रसिक जन अनुभूति प्राप्त रसिक जन गाते हैं कि परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, बस अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। कोई ये समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला ठकुरानी वृषभानु ललिता है। न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम मानव जानत्य अह न सताम चापि चरितम, रसम राधायाम अभजति किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। कल श्लोक की चर्चा का भाव पूर्ण नहीं हो पाया था कि
वहन्ति काम श्रियाम हरिर् मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति उज्ज्वलां परे रसात्मिकां विदु। श्री यमुना जी कृपा करके कोई विशुद्ध और उज्ज्वल भक्ति का वो रस प्रदान करती हैं, जो जो सर्वोपरि भी है और सर्वोत्कृष्ट भी है। याते परे न और कोई भजन, न और कोई सुख, और उससे परे कोई और भजन, कोई और सुख क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्राप्त कर लेने के बाद कुछ और प्राप्त करने की आशा अभिलाषा नहीं रहती। यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवती। तभी तो यहां के रस प्राप्त रसिक जन युगल को भी सदा सदा असीस देते हैं। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निसिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम। जय श्री हित हरिवंश, असीस देत मुख चिर जीवो भूतलिये जोरी। क्या रसिक जनों के हृदय का उल्लास है कि एक तृप्ति मात्र नहीं है, उस तृप्ति के उपरांत एक अद्भुत उल्लास भी है कि युगल को असीस देते हैं, पल पल असीस देते हैं, कि ऐसे ही रंग करो निसिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हास बिलास सुरत रस सींचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम। जय श्री हित हरिवंश लोल लोचन अली, करो न सफल सकल सुखदान। हो बलि जाऊं नागरीशा। तो ये विशुद्ध और उज्ज्वल भक्ति जो कहने को भक्ति है, जिस प्रकार अभी कल चर्चा हो रही थी कि आचार्य चरण ने अपनी वाणी में अपने आराध्य को, अपने उपास्य को नंदनंदन और वृषभानुनंदिनी कहा है, लेकिन उनका जो स्वरूप है, उनका जो रस वैभव है, वो नंदनंदन और वृषभानुनंदिनी से कहीं विलक्षण है, कहीं विचित्र है, अगाध है, अबाध है, कुंठित नहीं होता। परंतु नाम आचार्य चरण ने स्वीकार किया, नंदनंदन और वृषभानुनंदिनी। ठीक उसी प्रकार रसिक जन जिस रस का अनुभव करते हैं, जिस भाव स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसका नाम कहने को भक्ति है, परंतु वस्तुतः प्राप्त कर लेने वाला जानता है कि वो भक्ति से भी कहीं अधिक विचित्र और विलक्षण स्थिति है, जहां आकर परमार्थ की भी लालसा समाप्त हो गई। भगवत रसिक देव कह रहे हैं परमार्थ व्यवहार, व्यवहार तो माने कभी का छूट गया। व्यवहार को तो महाप्रभु ने सर्वप्रथम बात रखा, अलम विषय वार्तया, बोले उसकी तो चर्चा ही मत करो, नरक कोटि विभत्सया, बोले वो तो बात कहने योग्य ही नहीं है। अरे जिनके लिए वेदों की श्रुतियां भी परिश्रम है, माने जिनको कहना सुनना व्यर्थ का श्रम है, वृथा श्रुति कथाश्रमो और बत विभेवी कैवल्यते, और मोक्ष जो ब्रह्मज्ञानियों की कामना है, मोक्ष जो ब्रह्मज्ञानियों का गंतव्य है, बत विभेमी कैवल्यते, अर्थात उससे तो मुझे भय लगता है। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं मुक्ति स्प्रिया पिशाची, बोले मुक्ति की जो स्प्रिया है, बोले पिशाची राक्षसी है, भक्ति के भाव को खा जाने वाली है, विशुद्ध प्रेम के उस अंकुर को नष्ट कर देने वाली है। तो बत विभेमी कैवल्यते, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम तत। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति रस में उन्मत्त अगर कोई भक्त हैं, शुकदेव आदि जैसे, तो बोले उससे भी हमें कोई अर्थ नहीं। परम तुम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। वृंदावनेश्वरी के श्री चरणारविंद का जो रस वैभव है, इसका अर्थ यही हुआ ना कि जितने रस महाप्रभु ने कहे उनसे ये रस अद्भुत है, उनसे ये रस विलक्षण है। लेकिन कैसा अद्भुत है, कैसा विलक्षण है, वो वृंदावन का सेवन करने वाला और श्री हरिवंश नाम का आश्रय लेने वाला जान पाता है। समझ में भले आ जाए, बहुत लोग मैंने देखे जिनको समझ में आ जाता है कि इस रस में क्या विचित्रता है, कोई बहुत बुद्धिमान होगा तो उसकी बुद्धि में ये बात आ जाएगी। लेकिन मैंने पूर्व भी निवेदन किया कि समझ लेना एक बात है और उस समझी हुई बात का आस्वादन कर लेना दूसरी बात है। जिस प्रकार किसी ने चिकित्सा विज्ञान से संबंधित अगर कोई छोटी मोटी पढ़ाई की हो, तो वो किसी बड़े चिकित्सक की बात को समझ लेता है, लेकिन प्रत्यक्ष में उसका अनुभव नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार किसी के पास बुद्धि हो या कोई पुण्यात्मा हो, किसी का मन चित्त निर्मल हो, तो वृंदावन के रसिकों की भाव स्थिति वो समझ लेता है,
लेकिन उसका आस्वादन नहीं कर पाता। आस्वादन वृंदावन का वास और वृंदावन के रस रसिकों का संग करने वाले को ही होता है, इसके अतिरिक्त और किसी को नहीं, इसके अतिरिक्त और किसी को नहीं। कि अच्छा, और दूसरी बात, एक और व्यास जी ये कहते हैं कि वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुतबंध। व्यास जी कह रहे हैं हो मन वृंदावन को श्वान। बोले कहीं मुझे कोई कोई बड़ा ऊंचा पद मिलता हो, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं कहीं मुझे ब्रह्मा का पद मिले और कहीं वृंदावन की किसी नाली का कीड़ा होने को मिले, तो मैं वृंदावन की नाली का कीड़ा होऊंगा क्योंकि मुझे संग वृंदावन का मिलेगा। तो एक और व्यास जी कह रहे हैं हो मन वृंदावन को श्वान, और एक और व्यास जी वही व्यास जी कहते हैं कहा हो वृंदावन बसी में। तो वृंदावन के वास की जो विधि है कि जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। कल यहां से जाने के बाद भी महाराज श्री से किंचित मेरी चर्चा हुई, तो जिस प्रकार मैंने दो दिन से ये बात कही, कल मैंने बहुत देर चिंतन किया इस बात पर कि कल जब मैंने ये बात की, परसों मैंने कहा कि हमको किसी को कनिष्ठ नहीं कहना है, अगर कनिष्ठ नहीं कहना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, तो इस उपासना में अन्य किसी की स्तुति की भी आवश्यकता या अपेक्षा नहीं है। और सर्वतो भावेन अपने इष्ट को लक्ष्य रखकर, और ये अनन्यता की जो बात कही गई है, अनन्यता का जो भाव आचार्यों ने कृपा करके दिया है, उसमें किसी की निंदा करना या किसी को कनिष्ठ बताना वस्तुतः उद्देश्य है भी नहीं। जीव की वृत्ति क्या है? सहज में ही बिखरने की जीव की वृत्ति है, भटकना यह जीव की वृत्ति है, इसका स्वभाव है। तो किसी प्रकार से, जिस प्रकार महाभारत में एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है कि जब गुरु द्रोण ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र की शिक्षा दे दी, तो एक दिन परीक्षा हुई, किसी सघन वृक्ष की किसी डाल पर एक मिट्टी की चिड़िया, और उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। गुरु द्रोण ने एक एक करके सबकी परीक्षा ली, किस प्रकार? तीर चलाने को नहीं कहा, केवल गुरु द्रोण पूछते गए कि तुम बताओ तुमको क्या दिखाई पड़ता है। किसी को वृक्ष दिखाई पड़ता है, किसी को डाल दिखाई पड़ती है, किसी को पत्ता दिखाई पड़ता है, किसी को फूल दिखाई पड़ता है, किसी को चिड़िया भी दिखाई पड़ती है। एक अर्जुन मात्र ऐसे आए जिन्होंने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखती है और कुछ नहीं दिखता। तो जब तक इष्ट के भाव की उपलब्धि न हो जाए, श्री ध्रुवदास जी महाराज सिद्धांत विचार में कहते हैं जड़ नीके गए फिर कछु चिंता ना है। एक बार आपका मन आपके इष्ट के भाव में रूप में रंग में रम गया, पग गया, फिर आप भले कहीं जाइए, कर्माणी श्रुतिबोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसाम स्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा किंबा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयस है। ये जो महाप्रभु ने कहा ना पारगमती, अर्थात अनन्य भाव से अपने इष्ट का सेवन करते करते, अनन्य भाव से अपने ही गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग का अनुकरण करते करते, जब अपने उस इष्ट के भाव में मति पग जाती है, रम जाती है, उसके बाद आप कहीं दृष्टिपात करिए, उसके बाद आप कहीं चले जाइए, जब उस भाव की जड़ आपकी भूमि में गहरी बैठ जाएगी फिर कोई चिंता नहीं। लेकिन जब तक जड़ नीकी नहीं हुई, तब तक सावधान रहने की आज्ञा आचार्यों ने दी है, तब तक सावधान रहना चाहिए। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री अंग सेविक कल्याण पुजारी जी, बड़ा प्रेरणादायक उनका जीवन, ये जीवन का ये प्रसंग कि वो राधा वल्लभ लाल के अतिरिक्त कहीं दर्शन करने नहीं जाते थे। तो उनसे बहुत रसिक प्रवृत्ति लोग पूछते थे, बोले महाराज श्री बिहारी जी भी तो राधा वल्लभ लाल का ही स्वरूप है। तो वो कहते थे यही बात तो मैं कहता हूं कि उन्हीं का स्वरूप है तो दो जगह जाने की क्या आवश्यकता है, जब उन्हीं का है तो फिर दूसरी जगह की आवश्यकता नहीं है। दो दिनों में मैंने एक बात निवेदन की कि अनन्यता मन और बुद्धि से समझने का भाव नहीं है, यह नाम की कृपा से, यह उपासना विधा की कृपा से अंतर में प्रकाशित होता है। अब आप देखिए, एक और तुलसीदास कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरे जुग पानी। वो जड़ चेतन स्थावर जंगम पशु में भी सीताराम का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वही जब श्रीनाथ जी के सन्मुख जाते हैं तो कहते कहां कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ।
अब बड़ी विचित्र बात है, एक और तो आपको जड़ चेतन में सीताराम दिख रहे हैं, श्रीनाथ जी में सीताराम नहीं दिखते,